मम्मी कहाँ है? वही फोन पे आ रही है काम करने के लिए। इधर आओ। किधर है? मैं अगली बार रखा पढ़ाते तो है नहीं है कुछ सरकारी है तो इधर बंद करना है। ओ इसकी माँ गई हुई है, ये आएगा पोती है मेरी, इधर लिया इसने खाया भी नहीं है। इसको बंद कर देंगे। इज्जत लाती हो लड़कियों को घर आजकल किसका भरोसा है? किसी का भरोसा नहीं है। कोई भीख नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये भी आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। वही बात हमारी भी है भैया, देखिए इसको स्कूल में डालेंगे, आपके बच्चों को शौक नहीं है। आप बोलते हैं ना, आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? स्कूल रिसेस करें बेटा। स्कूल में क्यों नहीं आपने डाला? कितना टाइम हो गया? अगर ये पढ़ेंगे कल को कुछ बनेंगे तो आपकी गुर्बत दूर होगी। ऐसे आप इनको इसमें काम में लगा रही हो कि कल को ऐसे ही ऑफिस में आना, इनको स्कूल में एडमिशन कराएंगे हम। नहीं जो भी है आपका, आपके हस्बैंड कहाँ पे है? ड्राइव हो रही है, ये हो रही है फॉर द चिल्ड्रन स्ट्रीट सिचुएशंस के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बच्चे होंगे, जिन जो लेबर कर रहे होंगे या कोई भी बच्चे अगर यहाँ पे अगर उनके के कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम उनको रेस्क्यू करा रहे हैं और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे और उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। जिस सिचुएशन में हमें लगे कि उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। काफी नहीं, एक्चुअली हमने इससे पहले भी बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और उनकी हमने काउंसलिंग की है और जहाँ पे हमें लगा हमने उनको रिहैबिलिटेट किया है और हमने उनको को जहाँ पे हमें लगता है वहाँ पे हम इनको चिल्ड्रन होम्स में शिफ्ट करते हैं। बट एज फार एज दिस इज कंसर्न, ये हमारी ये आज हमने इसी हवाले से हमने ड्राइव स्टार्ट की है ताकि हम देख सकें कि अगर कोई यहाँ पे चाइल्ड लेबर है या कोई भी चिल्ड्रन स्ट्रीट सिचुएशन जो भी होंगे तो ताकि हम प्रॉपरली उनको गाइड कर सके और जहाँ पे हमें लगे उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको रिहैबिलिटेट कर सकते। तो जो आज का जो ड्राइव का जो ताल्लुक है इसका यानी कि जो देख रहे हैं बच्चे की जो चिल्ड्रन सिचुएशन में है उन बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि कई ऐसे बच्चे मत हो जो मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट में बैठ रहे हैं, मार्केट में हो सकता है क्योंकि उन बच्चों के साथ एबीज हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि बच्चों को चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो उनको हम आज देख रहे हैं, पूरा ड्राइव हमारा 2 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है और NCPCR की भी डायरेक्शन है कि आप 2 से 10 अक्टूबर तक आप ड्राइव कीजिए कि जो भी बच्चे सिप्टी सिचुएशन में है उनको आप रिहेबिलिटेट करें, उनको आप रेस्क्यू करें। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हमारे साथ कुछ और डिपार्टमेंट जैसे जलसा भी है और लेबर डिपार्टमेंट भी है और पुलिस की कॉपरेशन भी है इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विद इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है या पैकिंग में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को सबों को रेस्क्यू करके और रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। चेयरपर्सन क्या कहना चाहेंगे इस खसूसी ड्राइव के हवाले से? आज आपकी डिपार्टमेंट जो है मुतलका मुकाम है आज बिल्कुल हरकत में आ गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक है ये ड्राइव, तो हमें उन बच्चों को रेस्क्यू करना है जो माइनर्स है लेकिन चाइल्ड लेबर में है, चाइल्ड बैगिंग में है, या वो बच्चे माइनर बच्चे जो स्कूल बस मार रहे हैं, घर से स्कूल निकलते हैं फिर आवार घूमते हैं बागों में, तो हमें उनको भी रेस्क्यू करना है। उनको प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे और देखेंगे कि इन बच्चों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है तो उनको रिहैबिलिटेशन।